ये होता है देखो कभी कभी, देखो जहाँ तक आगे तक लाइन दिख रही है वहाँ तक है यार। इस तरफ अगर मैं देखो तो अच्छा, ये तो गाड़ी आ गई। इस तरफ अगर मैं पीछे को देखता हूँ तो लास्ट तक, मतलब यहाँ से पीछे तक को लाइन है और यहाँ से आगे तक को जाम है भाई। अब इस जाम में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी डोंट नो अबाउट दैट। बट अगर इस तरफ को घूम के देखता हूँ मैं तो ये वाला रोड खाली है। ये हम लोग पहुंच गए हैं जी गंगा नदी के ऊपर। अगर मौसम साफ होता तो हम लोगों ने रुक लेना था, नहा लेना था, बट बारिश इतनी ज्यादा है कि हम लोग रुक नहीं सकते हैं। ये है जी गंगा नदी। और ये हो रहा है देखो नीचे स्नान, लोग बारिश में भी नहा रहे हैं। देखो देखो ला भाई आगे जाऊंगी जगह तो जाइए यार, इतने दूर आए रे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। और यार यहाँ पे हम लोगों ने रुकना था वैसे, बट इफ बारिश बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बारिश बहुत ज़्यादा लगी है, और सेकंड थिंग हमारी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। अगर गाड़ी लगाने के लिए जगह होती तो भाई बारिश की कोई बड़ी बात नहीं होती, पर गाड़ी हमारी अभी भी पार्किंग नहीं मिल रही है। 3 किलोमीटर आगे आगे हम लोग, बट अभी भी पार्किंग हमें कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि मेन बाज़ार में था तो यार कहाँ रुकना था। और गंगा जी के किनारे है तो इतने सारे लोग सुबह सुबह नहाने आए हैं, तो हमारे ट्रक को तो पार्किंग नहीं मिलनी थी। बट चलो इतना है कि मैं खुद नहीं गया, बट आप लोगों को दिखा दिया मैंने गंगा का, थोड़े से गंगा के दर्शन जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया। बट नेक्स्ट टाइम जब आएंगे अगर मौसम अच्छा रहेगा तो ज़रूर गंगा जी के स्नान करेंगे। वैसे ये देखो मिट्टी के गिलास मिलाए हैं भाई, चाय मेरे लिए है, आपके लिए अपने। अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मैं तो चाय नहीं पी रहा हूं, क्योंकि मेरा जो है वो मुंह पूरा जो है वो पक गए अंदर से, अंदर से जो है जीभ में छाले आ गए, मुंह में छाले आ गए, क्योंकि जाते टाइम बहुत ज़्यादा चाय पीते गए थे। जहाँ पे भी रुक रहे थे चाय पी रहे थे, जाते हैं तो भाई को तो आदत है कि जहाँ पे रुकना है चाय पीनी है, मैं भी पी रहा था तो दिन की 4-5 टाइम हम चाय पी रहे थे, उस वजह से मुँह में छाले आ गए। यहाँ तक कि अब तो खाना खाने में भी दिक्कत आ रही है और बोलने में भी दिक्कत आ रही है। तो मम्मा को कॉल किया था, तो मम्मा ने बोला कि अब चाय पीना बंद कर दो। तो अब मेरी जो है वो चाय बंद है 2-3 दिन, अब मैं चाय नहीं पीऊँगा, अब सिर्फ चाय का मज़ा भाई लेंगे, वो भी देखो मिट्टी के गिलास में। कभी कभी होता ये है कि मन बोलता है आपका भी होता है बट आप पी नहीं सकते, खाने का मन आपका भी होता है बट आप खा नहीं सकते, वो याद रखना मेरी इस टाइम। हाँ भाई लगाना, 2 जूस लगाना, मौसम भी है। पहुँच गए हैं अपने पंजाब में और यहाँ से बच जाता है सफर का इधर
150 किलोमीटर का, 140-150 किलोमीटर के अप्रॉक्स सब सफ़र बच जाता है। और हम लोग चले थे परसों शाम को 3 बजे, और अभी भी 3-4 ही बज रहे हैं, हाँ 3 बज रहे हैं। तो अभी सिर्फ 150 किलोमीटर हमारा सफ़र बचता है, बाकी हम लोगों ने सफ़र कर लिया अपना पूरा। और आज हम अगर अभी टाइम है 3:30 हो रहे हैं, तो 2.5 घंटे का सफ़र बच जाता है, हाँ 2-3 घंटे का। वैसे यहाँ पे हाईवे अच्छा है, तो यहाँ पे हमारा 2.5 घंटे का सफ़र बच जाता है। तो आज पहुँच जाएंगे हम 5-6 बजे के टाइम, मतलब हमने 2 दिनों में ही अपना 1810 किलोमीटर का सफ़र हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों ने इंजॉय किया नहीं किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल जी चाय तो हमारी बंद है, बट जूस तो पी सकते हैं। ये भी यार स्पाइसी बहुत है, तो ये भी नहीं पिया जाएगा। आ गया, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है गाइस मेरे ना, मतलब मुंह के अंदर छाले छाले आ गए हैं, और उस वजह से जो है वो मैं कुछ भी पी नहीं रहा हूँ ज़्यादा, सिर्फ पानी को छोड़ कर चाय तो पी नहीं जा रही है, खाना भी नहीं खाया जा रहा। और ये जूस पता नहीं अब होगा ख़त्म, मेरे से नहीं होगा। हम पहुंच गए जी लुधियाना, बट वैसे हमारा जो स्टेशन जो है मोगा जो है, उसके लिए हमें यहाँ से लेना था बाहर को, मतलब लुधियाना के अंदर से जाना था, अगर होती नाइट तब। अब दिन का टाइम है, और दिन के टाइम ट्रकों के लिए 9 एंट्री होती है, 9 बजे के बाद ही 9 एंट्री खुलती है, फिर उसके बाद हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो इससे अच्छा हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग बाहर से लाया आगे से जाके, मतलब जलंधर रोड से हम लोग कटेंगे लेफ्ट को, तब हम लोग पहुँचेंगे। सफ़र हमारा बढ़ जाएगा 10-12 किलोमीटर का, जैसे यहाँ से बढ़ जाता है 85 किलोमीटर, बट वहाँ से जो हमें पड़ रहा है वो पड़ रहा है 96 किलोमीटर, तो मतलब 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा है, बट यहाँ पे करता हूँ बात। बट ये है कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, 11 किलोमीटर कितना है, 15 मिनट हम लोग क्रॉस कर लेंगे। अब हाईवे है तो 15 मिनट का हमारा हाँ एक्स्ट्रा हमें चलना पड़ेगा, बट ये है कि हमें 9 एंट्री में तो नहीं फंसना पड़ेगा, वैसे नहीं तो हमने यहाँ से जाना था। देखो ये है जी लुधियाना शहर, दिस इज लुधियाना सिटी। अभी शाम का टाइम है, तो ये जा रही है ट्रेन, देखो मालगाड़ी। यार गाइस अपने HP में होता है ना कि 7-8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर का बाईपास होता, बट इन बड़ी सिटियों में पता क्या होता है, 30-40-50 किलोमीटर का बाईपास होता है पूरी सिटी के बाहर से ही अगर होगा तो। पूरी सिटी के 30 किलोमीटर का तो नॉर्मल होता ही है बाईपास बाहर से घूम के जाना, अगर आप तो सिटी के अंदर से जाओगे तो 2 घंटे लगेंगे, और बाईपास से जाओगे 30 किलोमीटर से तो 30 मिनट लगे, तो लोग क्या प्रेफर करते हैं बाईपास से जाओ। हाँ जी, तो पहुंच गए हैं हम लोग अपने मोगा, जो पंजाब में पड़ता है, वहाँ पहुंच गए। और ये है यहाँ जी पीछे की तरफ सब्जी मंडी, और अभी हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर ली है, अब थोड़े बाहर की तरफ का हुआ खाने के लिए निकल गए थे। गर्मी यार अभी उतनी नहीं है जितनी वेस्ट बंगाल में थी, उतनी गर्मी तो यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत है, अभी बारिश का मौसम बन गया, बारिश आने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं वहीं मार्केट को दिखाऊँ तो इस तरह की मार्केट है। और गाइस यार अभी थका हूँ बहुत ज़्यादा, तो अभी यहाँ पे कर देता हूँ मैं वीडियो एंड, कल मॉर्निंग से नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। बट इसको कर दो आप लाइक, कर दो शेयर, कर दो और कमेंट कर दो। और अगर अभी का मैं टाइम बताऊं तो भाई 7 बज गए हैं, मतलब क्योंकि यार हमने जिस तरह का रास्ता लिया था वो कहीं पे सिंगल था, कहीं पे डबल था, कहीं पे हाईवे आ रहा था, तो उस वजह से मैं जो है हमने जहाँ 6 बजे पहुँचना था वहाँ पर 1 घंटा में एक्स्ट्रा लग गया। तो दूसरे दिन हम लोग मतलब पहुँच गए हैं, 3 बजे परसों चले थे, कल तक एक दिन आ सके, मतलब 1800 जो है हमने वो 2 दिनों में कंप्लीट कर दिया, 48 घंटे तो नहीं बोल सकते, 3 से
हाँ मतलब यही 52 घंटों में हमने ये सफ़र अपना कंप्लीट कर दिया है। आप लोग कर दो ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने क्या ये जो हमारा सिलीगुड़ी टू ये अपना जो है यार यहाँ का क्या नाम है मोगा, सिलीगुड़ी टू मोगा का सफ़र आप लोगों ने इंजॉय किया तो बताओ, कमेंट करो और शेयर करो वीडियो को, लाइक करके बता देना है कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और अभी के लिए बाय बाय। तेरे प्यारा ना हुआ हूँ पागल दीवान, गल लाने री तेरी नहीं रुशिए जान।